तो बच्चों आज हम लोग स्टडी करेंगे शुगर केन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में गन्ना कहते हैं, ठीक है ना। तो शुगर केन के बारे में पूरी कंप्लीट स्टडी हमें आज इस लेक्चर में अपनी करनी है। तो जिसमें हम बेसिकली बात करेंगे, स्टार्टिंग हमारी जो होगी वो शुगर केन के बॉटेनिकल नेम और उसकी फैमिली से होगी, और फिर उसका वर्नाकुलर नेम, और फिर हम उसके बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे। और उसके बाद हम जो है शुगर केन का जो कल्टीवेशन प्रोसेस होता है उसको भी देखेंगे। और उसके बाद फिर हम शुगर केन की जो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं उनके भी कुछ ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के नाम भी जानेंगे, और लास्ट में हम शुगर केन के यूजेस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे कंसर्न पेपर में, एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर की जो पीडीएफ नोट है वो आपको आपके पोर्टल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप उसको लेके अपनी कॉपी में लिख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं शुगर केन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि शुगर केन का बॉटेनिकल नेम क्या होता है। तो शुगर केन का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है सैक्रम ऑफिसिनेरम, सैक्रम ऑफिसिनेरम। शुगर केन की बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, लेकिन एक सबसे कॉमन स्पीसीज जो हमारी इंडिया में है वो सैक्रम ऑफिसिनेरम ही है। तो आप शुगर केन का जो बॉटेनिकल नेम याद रखेंगे वो आप क्या याद रखेंगे, सैक्रम ऑफिसिनेरम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। शुगर केन की फैमिली, तो मैंने आपको बताया था कि शुगर केन या जो गन्ना होता है वो भी अनाज वाली फैमिली से ही बिलोंग करता है, मोनोकॉट है ये भी। इसका मतलब शुगर केन की फैमिली भी हो जाएगी फैमिली पोएसी या फिर फैमिली ग्रैमिनी, ठीक है ना। तो शुगर केन का बॉटेनिकल नेम हो जाएगा सैक्रम ऑफिसिनेरम, और शुगर केन की फैमिली का नाम हो जाएगा फैमिली पोएसी या फिर फैमिली ग्रैमिनी। जहाँ तक बात है वर्नाकुलर नेम की, कि अलग अलग लोकेलिटी में इसके क्या क्या नाम रखे जाते हैं, दुनिया भर में अलग अलग क्षेत्रों में इसके क्या क्या लोकल नाम हैं, उसको हम वर्नाकुलर नेम कहते हैं। जैसे हम हिंदी में इसको गन्ना कहते हैं, क्या बोलते हैं, गन्ना कहते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग लैंग्वेज में इसके बहुत सारे नाम रखे जाते हैं, बेसिकली हम हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, गन्ना बोलते हैं। तो ये इसका वर्नाकुलर नेम हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स अगर शुगर केन की, शुगर केन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फसल वाला पौधा है। किसान इसको ग्रो करवाता है, किसान इसको कल्टीवेट करवाता है। लेकिन अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, ये सबसे पहले दुनिया में कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, तो उसके बारे में दो बातें हैं। एक बात तो ये कि शुगर केन की जो ओरिजिन हुई थी वो ओरिजिन मानी जाती है कहाँ पर, वो मानी जाती है साउथ पैसिफिक एरिया में। कहाँ पर, साउथ पैसिफिक एरिया में शुगर केन की ओरिजिन मानी जाती है। न्यू गिनिया करके एक कंट्री है, वहाँ पे जो है। बहुत सारे ऐसे भी वर्कर्स हैं और साइंटिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि शुगर केन की जो ओरिजिन हुई है वो अपनी कंट्री में हुई है, कहाँ पर, इंडिया में। तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो ये मानते हैं कि शुगर केन इज़ द होम, इंडिया इज़ द होम ऑफ शुगर केन, ठीक है ना। हमारा देश ही क्या है, गन्ने का घर है, यानी कि हमारे देश में ही गन्ने की ओरिजिन हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, ये हमारी ही कंट्री की, हमारी ही कंट्री का नेटिव है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो दो बातें हैं, शुगर केन की जो ओरिजिन है वो न्यू गिनिया में भी मानी जाती है, यानी साउथ पैसिफिक में मानी जाती है, और इसके अलावा इंडिया में भी जो है शुगर केन की ओरिजिन मानी जाती है। शुगर केन का कल्टीवेशन, शुगर केन की जो नेटिव है वो इंडिया को भी माना जाता है, हमारे देश भारत को भी जो है गन्ने का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर शुगर केन की बात करें, पूरी दुनिया में शुगर केन का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन सी कंट्रीज़ में शुगर केन की खेती की जाती है, गन्ने को उगाया जाता है, तो दुनिया भर के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। जो भी ह्यूमिड ट्रॉपिकल लो लैंड एरियाज़ हैं दुनिया में, जहाँ पर आर्द्रता होती है, ऐसे जो लो लैंड एरियाज़ मतलब जहाँ पर पहाड़ नहीं होते, समतल इलाका होता है, ठीक है ना, आर्द्र समतल इलाका होता है, तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल लो लैंड एरियाज़ जो होते हैं दुनिया भर में, जहाँ पर भी इस तरह के ज्योग्राफिकल सिचुएशन या जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पाया जाता है, तो वहाँ वहाँ पर जो है गन्ने की खेती की जाती है। स्पेशली जो ऐसी कंट्रीज जो जहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है, तो उसमें हमारी कंट्री भी, इंडिया भी शामिल है। इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है, गन्ना एक कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब, कैश क्रॉप का मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं ना, नगदी फसल, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इनकम होती है वो ज़्यादा होती है। फार्मर क्या करता है, गन्ने को उगाता है, उसके बाद ले जाकर उसको फैक्ट्रियों में बेच देता है, और उसको तुरंत इनकम हो जाती है, उसको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, तो एक नकदी फसल इसको माना जाता है। आर्थिक रूप से किसानों को सशक्त करती है ये फसल कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कमाई इसमें अच्छी हो जाती है किसानों की, मोटे बात अगर लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर बात करें पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर गन्ने की जो है खेती होती है, तो ये ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया,
मैक्सिको हो गया, इसके अलावा पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, फिलीपींस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और थाईलैंड, ताइवान, इजिप्ट, ठीक है ना, इन सब कंट्रीज़ में जो है गन्ने की गन्ने का कल्टीवेशन, ऑब्वियसली इंडिया में भी होता है। तो ये जो मैंने आपको कंट्री बताई, ये पूरी दुनिया में वो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पर गन्ने का कल्टीवेशन होता है। कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्राज़ील, चाइना, मैक्सिको, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका, कोलंबिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, इजिप्ट। तो ये सारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और इंडिया, ठीक है ना, यहाँ पर गन्ने की खेती की जाती है। तो चलो स्टूडेंट्स, अब बॉटनिकल नेम फैमिली और इसका थोड़ा सा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये गन्ने का जो प्लांट होता है वो कैसा होता है, उसकी हाइट क्या होती है। तो अगर आप गन्ने का प्लांट, आप सब लोग देखते हैं तने को, गन्ने का तना ही तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का, ठीक है ना, जिसको हम यूज़ करते हैं। केन जो गन्ने का तना होता है वही तो उसी में तो शुगर पाया जाता है, उसी में तो जूस पाया जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अगर हम गन्ने के प्लांट की बात करें तो प्लांट जो होता है वो पेरिनियल, पेरिनियल का मतलब क्या होता है, पेरिनियल का मतलब होता है बहुवर्षीय, मतलब जब कोई फसल या कोई प्लांट जो है वो अपनी लाइफ टाइम, अपने आप को एक साल से ज़्यादा वक्त लेता है, एक वर्ष से अधिक समय में वो परिपक्व होता है, उसका जीवन चक्र पूरा होता है, तो इस कंडीशन में हम उसको क्या बोलते हैं, पेरिनियल कहते हैं, यानी बहुवर्षीय कहते हैं, ठीक है ना। तो गन्ना बेसिकली क्या है, पेरिनियल है, ठीक है ना, ये पेरिनियल ग्रास है। ग्रास का मतलब, क्योंकि ये फैमिली पोएसी का है, मोनोकॉट प्लांट है, तो इसीलिए इसको ग्रास माना जाता है, ग्रास मतलब फैमिली पोएसी का प्लांट, ठीक है ना। तो ये पेरिनियल ग्रास होता है और ये आमतौर पे क्लम्प्स में ग्रो करता है। क्लम्प्स मतलब, क्लम्प्स मतलब होता है झाड़ियाँ, झुरमुट झाड़ियाँ हैं, पौधे हैं बहुत सारे, ठीक है ना, और उन्हीं के बीच में से गन्ना ग्रो करता है। अगर हम वाइल्ड परसेप्शन में इसको देखें, अगर हम देखें कि नेचुरली गन्ना कैसे ग्रो करता है जंगलों में, तो वो झुरमुटों के बीच में, जो झुरमुट होते हैं इसको क्लम्प्स कहा जाता है, झाड़ियाँ होती हैं उनके बीच में ही जो है ये ग्रो करता है। ऐसे ही तो बांस भी ग्रो करता है, ठीक है ना, ऐसे ही तो बड़ी बड़ी घासें जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, तो वैसे ही गन्ना भी क्या करता है, क्लम्प्स के बीच में नेचुरली ग्रो करता है। अब ये बात अलग है कि किसान खेतों में इसका कल्टीवेशन करते हैं, इसको उगाते हैं, इसकी खेती करते हैं, तो वहाँ पर तो झुरमुट नहीं होते, लेकिन नेचुरली अगर बोला जाए तो ये क्लम्प्स में ग्रो करने वाला प्लांट्स होता है, पेरिनियल ग्रास होती है। इसका स्टेम सॉलिड होता है, स्टेम सॉलिड के साथ साथ कैसा होता है, जॉइंटेड होता है, और स्टेम की जो लेंथ होती है वो होती है 2 to 3 meters, कितना, 2 to 3, ठीक है ना। तो अगर आप गन्ने की लंबाई देखोगे तो गन्ने की लंबाई तो आप जानते हो काफ़ी लंबे लंबे होते हैं गन्ने, ठीक है ना, तो एक औसतन, एक एवरेज लेंथ अगर गन्ने की स्टेम की देखी जाए, प्लांट की यानी स्टेम की देखी जाए, तो वो क्या होती है, 2 to 3 meters, यानी 2 to 3 meters जो होती है वो इसकी हाइट होती है, और 3 to 6 centimeters इसकी डायमीटर होती है, 3 to 6 centimeters क्या होती है, डायमीटर मतलब इसकी मोटाई होती है, इसका व्यास होता है, ठीक है ना, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो 2 to 3 meters इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई, यानी ऊंचाई हो गई, लेंथ हो गया प्लांट का, गन्ने का, और इसकी जो मोटाई है गन्ने की वो क्या होती, वैरी करती है, 3 to 6 centimeters, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया, इसका व्यास हो गया, उसकी मोटाई हो गई, समझ में आ गई बात ना स्टूडेंट्स। गन्ने के अंदर इसके तने में 80% लगभग 80% जूस पाया जाता है, स्वीट कंटेन यानी कि मीठा जूस पाया जाता है, कितना, 80%, यानी इसका जो पूरा स्टेम होता है वो बेसिकली क्या है, उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, जूस मतलब एक लिक्विड फॉर्म में उसके अंदर जूस टर्म हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, वो पाया जाता है। तो यहाँ पे बुक्स में लिखा होता है कि अबाउट 80% जूस जो है वो गन्ने के स्टेम में पाया जाता है, स्टेम को कल्म भी कहा जाता है, मैंने आपको बताया कि जितनी भी फैमिली ग्रामिनी के प्लांट्स होते हैं उन सब के स्टेम को कल्म भी कहा जाता है, तो गन्ने के भी स्टेम को क्या बोलते हैं, कल्म कहते हैं। तो गन्ने के कल्म में यानी स्टेम में क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट 80% जूस पाया जाता है, और उस जूस के अंदर जो है 12 to 17% यानी गन्ने के कल्म में लगभग 80% जो है जूस होता है, ठीक है ना, और इसमें लगभग कितना, 12 to 17% जो है शुगर पाई जाती है। तो इस जूस में 12 to 17% क्या होती है, शुगर होती है, यानी कि शर्करा होती है, ग्लूकोज होता है या सुक्रोज होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात ना, कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं उसको, शुगर वर्ड ही यूज़ करते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गई गन्ने के प्लांट की बात।
पत्तियों की बात करें तो इसकी पत्तियाँ काफ़ी लंबी होती हैं, बहुत चौड़ी तो नहीं होती हैं लेकिन लंबी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। प्लांट के तने के दोनों साइड से पत्तियाँ ग्रो करती हैं, यानी एक स्टेम के दोनों साइड से पत्तियाँ ग्रो करती हैं। ज़्यादा लेंथ की पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों की जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेट 0.9 to 1.5 meter, यानी 0.9 से लेकर 1.5 meter तक लंबी पत्तियाँ होती हैं। पत्तियों की अगर चौड़ाई देखी जाए तो चौड़ाई तो बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी 2.5 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक वाइड होती हैं पत्तियाँ, यानी 2.5 से 10 सेंटीमीटर तक चौड़ी पत्तियाँ होती हैं। लंबाई पत्ती कितनी होती है, 0.9 से लेकर 1.5 मीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है पत्ती की। ठीक है फ्रेंड्स, जो फ्लावर होता है बहुत प्लांट जब मैच्योर हो जाता है, आमतौर पे आप गन्ने में फ्लावर नहीं देखते हैं क्योंकि हम उसको खेतों में उस उतनी ड्यूरेशन तक उसको रहने नहीं देते और उससे पहले हम उसको यूज़ कर लेते हैं, काट लेते हैं। लेकिन अगर कोई गन्ना नेचुरली ग्रो करता है कहीं पर तो वहाँ पर अगर हम उसको छोड़ दें तो आप कुछ वक्त बाद देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, कुछ सालों में आप देखोगे वहाँ पे कि उसमें आपको फ्लावर भी दिखाई देंगे। तो इन्फ्लोरिसेंस जो होता है, यानी जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर की जो पोजीशन होती है अगर हम उसको देखें तो बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन होती है, ठीक है ना। जो फ्लावर होता है वो स्टेम के टर्मिनल मतलब एकदम ऊपर एकदम शीर्ष पर जो है वो वहाँ पर ग्रो करता है, वहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं, अगर हम लोग देखें कि इंडिया की बात करें, हमारी इंडिया में कहाँ पर शुगर गन्ने का खेती होती है, शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से स्टेट्स हैं हमारी इंडिया में। तो हमारी इंडिया में ऑलमोस्ट जितने स्टेट्स हैं सभी स्टेट्स में गन्ने की खेती की जाती है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं, जो चीफ शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, उसमें बेसिकली कौन कौन से, तो सबसे पहले तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद आपका तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, हरियाणा है, पंजाब है, और उसके अलावा आपका बिहार, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान है। ये हमारे देश के मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य हैं, इन राज्यों में गन्ने की खेती होती है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आता है, यूपी आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अगर देखा जाए हमारे देश में गन्ने का होता है तो वो कहाँ होता है, कोंकण एरिया में होता है। महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में गन्ने का सबसे ज़्यादा यील्ड, सबसे ज़्यादा पैदावार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गन्ने के क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सुटेबल क्लाइमेट कंडीशन वहाँ पर उसको मिलती हैं। तो महाराष्ट्र के कोंकण एरिया, याद रखना नाम को, महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में गन्ने का सर्वाधिक पैदावार होती है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के कोंकण एरिया में गन्ने की सर्वाधिक पैदावार होती है, और वहाँ पर जो है क्या होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है किसका, गन्ने का। तो अब इसके बाद बच्चों बात करें अगर शुगर केन का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है या गन्ने की खेती उसका प्रोसेस क्या है, कल्टीवेशन का प्रोसेस अगर हम देखें तो सबसे पहली बात यह कि देखो हर तरह की जो सॉइल कंडीशन होती है, हर तरह की जो मिट्टी होती है उसमें ऑलमोस्ट गन्ना जो है वो ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर हम इस क्रॉप को देखें तो ये एक जो है ऐसी क्रॉप है जिसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मतलब इसको गर्म और आर्द्र जलवायु चाहिए, गर्म और आर्द्र जलवायु में ही गन्ने की क्या होती है, खेती होती है अच्छी तरीके से। अगर इसको एनुअल रेनफॉल की बात की जाए, वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, तो वार्षिक वर्षा जो है वो 200 to 225 centimeter per annum, यानी प्रत्येक वर्ष जो है 200 से 225 सेंटीमीटर तक की जो है बारिश अगर हो रही है एरिया में तो वहाँ पर शुगर केन का जो ग्रो या जिसका कल्टीवेशन है वो बहुत बढ़िया तरीके से होगा। तो कुल मिला के क्रॉप नीड अ ह्यूमिड एंड हॉट क्लाइमेट विद हाई रेनफॉल, मतलब जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर गन्ने की खेती होती है। ठीक है ना, और एवरेज टेम्परेचर जो है वो चाहिए कितना, अप्रॉक्सीमेट 26 degrees Celsius, यानी लगभग 26 degrees Celsius का तापमान चाहिए, और इस तापमान पे जो गन्ना होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता ही दिया हर तरह की, बहुत तरह की वैरायटी ऑफ सॉइल में गन्ने की का कल्टीवेशन होता है, लेकिन फिर भी जो सैंडी सॉइल होती है यानी जो बलुई मिट्टी होती है वहाँ से लेके कुछ लोमी सॉइल, मैं आपको सॉइल अलग से एक लेक्चर में पढ़ाऊंगा जब अगर आपके सिलेबस में होगा, तो लोम सॉइल या लोमी सॉइल्स जो होती हैं, तो सैंडी सॉइल से लेके लोमी सॉइल तक की सॉइल वेरिएशन में जो है गन्ने का
खेती होती है, गन्ना उगता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, गन्ने को कैसे उगाते हैं तो आप सब लोग जानते हैं कि हमारे किसान क्या करते हैं, जो हमारा स्टेम होता है गन्ना का, जो तना होता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं, और उसको पीसेस में काटने के बाद उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं, या सीड सेट कहा जाता है, या सीड पीस कहा जाता है। तो गन्ना कैसे, यूजली उसका प्रोपेगेशन किया जाता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। गन्ना जो है वो प्रोपेगेशन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसका करवाया जाता है। गन्ने के तने को, पुराने गन्ने के तने को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड सेट कहते हैं, SEED सीड, SEET सेट, तो उसको सीड सेट भी कहा जाता है, उसको केवल सीड भी कहा जाता है, उसको सीड पीस भी कहा जाता है। ठीक है ना, और वो छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उन्हीं टुकड़ों को क्या करते हैं किसान जो है वो खेतों में थोड़ा सा अंदर तक मेड़ बना के उसको वहाँ पे लगा देते हैं मिट्टी में। ठीक है ना, और वो ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, गन्ना जो है वो वेजिटेबली प्रोपेगेटिव टेक्निक से ग्रो करवाया जाता है, क्योंकि हम सेक्सुअल मेथड से उसको, नेचुरल मेथड से अगर हम उसको ग्रो करवाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और वो बहुत खर्चीला और साथ साथ वो कन्वीनियंट नहीं है, तो हम उससे ज़्यादा फायदा नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोपेगेटिव तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवाते हैं, और हम ओल्ड केन यानी पुराने गन्ने के जो है तने की अलग अलग लेंथ के पीसेस को काट कर उसी से जो है गन्ने को ग्रो करवाते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स अगर बात करें कब इसकी जो है कब गन्ने की प्लांटिंग की जाती है, कब इसको लगाया जाता है, इसकी खेती कब की जाती है, तो यूजुअली जनवरी से लेकर मार्च, हमारे देश में जनवरी से लेकर मार्च तक के सीजन में किसान जो है वो इसकी प्लांटिंग करते हैं, यानी इसको अपने खेतों में बोते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्रॉप जो होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये पेरिनियल क्रॉप है, यानी एक साल से ज़्यादा टाइम ले लेती है, हालांकि अब तो गन्ने की ऐसी ऐसी इंप्रूव वैराइटीज़ आ गई हैं जो एक साल में भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन अगर एक जनरल एक एवरेज माना जाए तो अगर हम बोले तो गन्ना जो है या जो शुगर केन होता है वो अप्रॉक्सीमेट टाइम लेता है कितना, तो वो टोटल जो टाइम लेगा वो तकरीबन जो है ले लेता है एक साल से ज़्यादा का टाइम, यानी शुगर केन जो होता है वो जनवरी से मार्च तक में ग्रो करवाया जाता है, और उसके बाद जो है पूरा प्लांट जो मेच्योर होता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेट 10-15 मंथ यानी 10 से 15 महीने लगते हैं बच्चों। ठीक है ना, 10 से 15 महीना एक एवरेज रेशियो, एक एवरेज आपका ड्यूरेशन है, और इतने टाइम में जो अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं गन्ने की वो क्या हो जाती हैं, मेच्योर हो जाती हैं, फसल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाती है। हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, तो हार्वेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गन्ने की कटाई करते हैं, उसके लिए स्पेशली जो है कुछ इस तरह के सीजर या कुछ इस तरह के चाकू आते हैं, नाइफ आते हैं, ठीक केन नाइफ आते हैं, स्पेशली तने को काटने के लिए बने होते हैं। तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अपने हाथों से जो है चॉपिंग करते हैं, यानी काटते हैं, और उस काटने के लिए जो है वो केन नाइफ का यूज़ करते हैं, केन मतलब गन्ना और नाइफ का मतलब चाकू, तो एक बड़ा सा चाकू होता है और उसी से वो गन्ने को क्या करते हैं, कट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी की जाती है, मशीनों से भी गन्ने की कटाई की जाती है, अगर ज़्यादा अमाउंट में खेतों में गन्ना है तो अब तो बहुत सारी ऐसी मशीनें भी आती हैं जिनको यूज़ करके हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी कि गन्ने की कटाई करते हैं। लेकिन गन्ने को काटने के बाद एक बात और, जो लोअर लीव्स होती हैं गन्ने की वो जब गिरने लगती हैं तो ये इंडिकेशन होता है कि जो गन्ना है, जो फसल है, वो हमारी क्या हो गई है, मेच्योर हो गई है। ठीक है ना, तो जो लोअर लीव्स का विदरिंग है, विदरिंग का मतलब होता है गिरना, टूट कर गिरना, तो लोअर लीव्स की जो विदरिंग है जब होने लगेगी तो दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ शुगर केन प्लांट, यानी कि हमारा शुगर केन प्लांट जो है वो पूरी तरह से मेच्योर हो गया, फसल हमारी पूरी तरह से पक गई है, तैयार हो गई है। तो अगर नीचे की पत्तियां गिरने लगे अपने आप टूट टूट के, तो ये इशारा होता है कि हमारी फसल क्या हो गई है, पूरी हो गई है, कंप्लीट हो गई है, मेच्योर हो गई है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अब कटाई करने के बाद अब उसको हम खेतों में नहीं रखते ज़्यादा वक्त तक, क्योंकि बहुत तेज़ी से क्या होता है, रैपिड डिट्रियोशन होता है, बहुत तेज़ी से जो अंदर उसमें जूस होता है, मैंने अभी आपको बताया ना कि गन्ने जो हमारा गन्ना है उसके तने में अप्रॉक्सिमेट 80% तक जूस होता है, तो वो जूस यानी एक तरह का लिक्विड है ना, तो बहुत तेज़ी से क्या करता है, इवेपोरेट होता है, वो बहुत तेज़ी से निकल कर एटमोसफेयर में जाने लगता है। इसलिए हमें बहुत जल्दी से किसानों को क्या करना चाहिए, तो उस खेत में पड़े गन्ने को फैक्ट्रीज तक भेज देना चाहिए, ताकि उसको यूज़ किया, उसके जूस को यूज़ किया, उसके जूस से ही तो हम चीज़ों को बनाएंगे ना, उसके जूस से ही तो हम आगे चलकर जो है आपके जो स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं उन सबको बनाते हैं, चीनी को बनाते हैं, शुगर को बनाते हैं, गुड़ को बनाते हैं। तो इसलिए जो है हमें क्या करना है,
कि गन्ने के स्टेम को काटने के बाद लंबे वक्त तक खेतों में नहीं रहने देना है, हमें तुरंत उसको जो है फैक्ट्रीज तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से डिहाइड्रेशन होता है जूस का, और अगर हम कुछ दिन तक जो है गन्ने को वही खेत में पड़े रहने देंगे तो इससे क्या होगा, जो गन्ने के अंदर जो जूस है वो जूस जो है काफ़ी तेज़ी से जो है डिहाइड्रेट हो जाएगा और उससे जो है वो हमारा गन्ना सूख जाएगा। अगर हम देखा जाए एक अगर एवरेज देखा जाए तो तकरीबन 1-2% वाटर जो है डेली लॉस होता है, यानी अगर हम गन्ने को जो है 10 दिन रख दिए तो तकरीबन 10% उसके अंदर का जूस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो डिहाइड्रेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि काटने के बाद जो है हम अपने गन्ने को तुरंत जो है फैक्ट्रीज तक भेज दें, ठीक है ना, ताकि वो जूस जो उसके अंदर है वो ज़्यादा यूज़ हो सके, वो लॉस ना हो, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर स्टूडेंट बात करते हैं गन्ने की कुछ इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ के बारे में, हमारी कंट्री में गन्ने के ऊपर जो ब्रीडिंग होती है, जो संकरण हुआ था है, जो उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, तो सबसे ज़्यादा रिसर्च हमारी कंट्री में जहाँ पर होती है गन्ने के ऊपर, उस जगह को हम शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ मैं लिख देता हूँ शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पर है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पे है, ये कोयम्बटूर में है। कहाँ पर? कोयम्बटूर। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट में कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित है, या जो गन्ना संकरण संस्थान है ये किस जगह पर है हमारे देश में, इस संस्थान को कहाँ पर स्थापित किया गया है हमारे देश में, तो ये संस्थान जो है वो कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो कोयम्बटूर की स्पेलिंग COIMBATORE, समझ में आ रहा है ना, तो ये कोयम्बटूर लिख दिया मैंने। तो कोयम्बटूर दक्षिण भारत में एक शहर है। तो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर नाम की सिटी में क्या है, सिचुएटेड है। याद हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का, एक नंबर का, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, भूलिएगा मत। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर में, ठीक है ना स्टूडेंट्स। बहुत सारी यहाँ पर हमारे देश में जितने भी गन्ने की वैराइटीज़ आती हैं, ऑलमोस्ट 90% जो वैराइटीज़ होती हैं वो यहीं शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट में ही डेवलप करवाई जाती है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसी कुछ गन्ने की अगर इम्प्रूव वैराइटीज़ की बात करें तो बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, कुछ हाई यील्ड वैराइटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पैदावार देती हैं, तो कुछ ऐसी वैज्ञानिकों ने प्रजातियाँ गन्ने की डेवलप की हैं जो रोग प्रतिरोधी होती हैं, उनके ऊपर बीमारियाँ नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो अगर कुछ हाई यील्ड वैराइटीज़ का नाम लूँ मैं तो CO419, CO का मतलब ये उसकी वैरायटी का नाम है, CO एक तरह से समझ लीजिए कोयम्बटूर से ना, CO, तो CO419, CO419, CO622, CO658, CO712, HM320, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब हाई यील्ड वैराइटीज़ है शुगर के लिए। इसी तरह से अगर डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटी देखें, कुछ ऐसे भी गन्ने की फसलें हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गन्ने पर क्या होती है, बीमारी लग जाती है, होता है ना, जैसे रेड रॉट ऑफ शुगर केन, बीमारी होती है गन्ने में, ठीक है ना। तो इस तरह से फंगस बीमारियाँ लग जाती हैं गन्ने में, या बैक्टीरियल डिजीज़ लग जाती हैं, फंगल डिजीज़ लग जाती हैं, तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन एरियाज होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ ग्रो करती हैं, बीमारियाँ लगती हैं, गन्ना ख़राब हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो ऐसे एरियाज में डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो ग्रो करवाई जाती है, किसानों को दी जाती है। तो वो जो डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं जो शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में डेवलप की गई हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज CO331 यानी CO331, CO213, CO349, ये तीन हैं, CO331, CO213 और CO349 यानी 349, ये तीन जो हैं ये क्या है, डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है बच्चों, याद कर लो नाम। इसके अलावा भी बहुत सारी गन्ने की इंप्रूव वैरायटी डेवलप की गई हैं, आपको आपकी PDF में मिलेगा, आप उसको देख के उसमें से कुछ दो चार और भी याद कर लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यूजर्स की बात करते हैं, तो बच्चों लेक्चर के लास्ट में मैं आपको गन्ने का यूज़ बता दूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, गन्ने के अंदर क्या है, शुगर है, गन्ने के स्टेम में क्या होता है, 80% जूस होता है, उसमें क्या होता है, उसमें तकरीबन जो है 80% जूस में 12-17% तक मीठा यानी शर्करा होती है। तो गन्ने में जो शर्करा होती है उसको बोला जाता है केन शुगर, या उसको हम सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सुक्रोज, ठीक है ना। गन्ने की शर्करा को क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये तो सबको पढ़ाया जाता है ना बहुत पहले से, गन्ने में जो शर्करा होती है उसको क्या बोला जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों? तो सुक्रोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। कार्बन के 12 एटम होते हैं,
हाइड्रोजन के 22 एटम होते हैं और ऑक्सीजन के 11 एटम होते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, ठीक है ना। सुक्रोज जो शर्करा है कहाँ पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। तो गन्ने में जो शर्करा है वो क्या है? सुक्रोज है। अब ये सुक्रोज जो शर्करा, ये क्रिस्टलाइन शुगर होती है, ठीक है ना, मीठी होती है, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस होता है, कार्बोहाइड्रेट है एक तरह का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स एनर्जी का है, क्योंकि आपको पता है जितने भी कार्बोहाइड्रेट में शुगर होते हैं वो एनर्जी के सोर्स होते हैं, तो ये भी क्या है? एनर्जी का सोर्स है। और हमारे भोजन में भी हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तमाम तरह के जो स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट्स हो गए, कन्फेक्शनरीज हो गई, आइसक्रीम्स हो गए, केनिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उन सब में जो है इसको यूज़ किया जाता है। किसको? सुक्रोज को यूज़ किया जाता है, यानी केन शुगर को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको अपने गांव में गुड़ के नाम से जानते हैं, इसके अलावा हम इसको जैगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और हम लोग तो अपने गाँव में, अपने घरों में कभी कभी तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम अपने गन्ने को तो ऐसे ही चबा के जो है खा जाते हैं, होता है ना, हम उसके जूसेस को यूज़ कर लेते हैं। तो ए गुड क्वांटिटी ऑफ शुगर केन इज आल्सो यूज एज ए चेविंग, हम उस गन्ने को चबाते भी हैं, चबाकर उसके जूस को यूज़ करते हैं और खाते हैं उसको, हम लोग तो ऐसा करते हैं ना, तो ये भी होता है। स्टूडेंट्स, गुड़ जो होता है, जो बनाया जाता है गन्ने के रस से, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने जानवरों को खिलाते हैं, हम ह्यूमंस भी उसको यूज़ करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा बहुत सारी मीठी चीज़ों को बनाने में उसका यूज़ होता है। गन्ने की जो पत्ती होती है वो पावर डीजल का जो है क्या है, मतलब डीजल का एक सब्स्टिट्यूट, एक ऑप्शन है। गन्ने की जो पत्ती होती है उसको हम एक डीजल के सब्स्टिट्यूट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, जो पावर डीजल जनरेटर्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, तो क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन पाया जाता है इस वजह से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो है ये सब गन्ने के यूज होते हैं। तो बेसिकली क्या है, स्वीट प्रोडक्ट्स को बनाने में गन्ने में जो सुक्रोज या केन शुगर होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ये इसका यूज हो गया। तो सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये लेक्चर फिलहाल इतना ही था, इसकी नोट्स आपको आपके चैनल पर मिल जाएगी, आपके पोर्टल पर, वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे लाइव सेशन में आगे करिएगा, इस लेक्चर को एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि बहुत अच्छे से सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। देखो, चीज़ों को कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में बना लो, कोई चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी, कोई चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, और अपने एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में आप इसको लिखेंगे। बाकी एज ए सपोर्ट मैं आपको इसकी नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ताकि आप और बेटर तरीके से जो है चीज़ों को तैयार कर पाएँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।